संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटना नहीं है, एक रहना है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब इसी बयान पर मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है सियासी तकरार। कांग्रेस और AIMIM मुख्यमंत्री योगी पर हमलावर है। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी का संदेश भड़के ओवैसी कांग्रेस। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये इनका इनसिक्योरिटी है। तो भारत तो एक ही रहना चाहता है, लेकिन भाजपा ही कहती है कि फादर और चादर से सतर्क रहो। जाति धर्म की लड़ाई सियासत का पारा है। जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस देश को बांग्लादेश बनाना है, जो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जल्द प्रधानमंत्री के आवास में कब्जा होगा, तो ये मंशा स्पष्ट होती है कि जो सैम पित्रोदा ने चुनाव के बीच कहा था कि इस देश को एक बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को लूट कर किनको देना है, दूसरा सत्ता में काबिज चुनाव में नहीं हो पाए तो अब कब्जा करना है, तो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से हिंसा कराकर सत्ता पे काबिज होना चाह रही है। इसीलिए योगी जी ने सचेत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाति धर्म की लड़ाई में अब सियासी पारा हाई हो गया है। एकता की बात पर सियासत क्यों, आज इसी पर महाडिबेट। कमाल की बात है, जी हाँ कमाल की बात है। बात यहाँ एकता की हो रही है, एक होने की बात हो रही है, और इस बात को बंटवारे का नाम दिया जा रहा है। कौन है जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बांटने वाला है? वो तो यहां पर एक होने की बात कर रहे हैं, फिर किसको ये बयान रास नहीं आ रहा? हिंदुओं को एकता का संदेश अगर दिया गया तो विपक्ष के नेता इसे हिंदू मुसलमान से जोड़कर क्यों देख रहे हैं, ये हम जानेंगे। महाडिबेट करेंगे आज, लेकिन महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों पर भी डाल लेते नजर। पहला सवाल रहेगा कि अगर हिंदुओं को संदेश दिया गया तो विपक्ष में आक्रोश किस बात को लेकर है? अगला सवाल रहेगा कि आखिरकार देश का बहुसंख्यक समाज अगर एक रहेगा तो आपत्ति किसे है, एतराज किसे है? भला मुट्ठी बनकर रहने में क्यों एतराज है, क्यों आपत्ति है? अगला सवाल रहेगा देश की एकजुटता में कौन बन रहा है बाधा? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ इस गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं यश भारतीय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं घनश्याम पिरोनिया जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे, पहले आपसे ही जान लेते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में कोई बात कहते हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा क्यों बढ़ जाता है, और हिंदुओं की एकता में किस तरह से कांग्रेस को नजर आया है बंटवारे का संदेश? जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इतना शुभ दिन है कि आज के दिन तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बातें नहीं करना थी, क्योंकि भगवान के बारे में माना जाता है कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, और विशेषकर श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो यही माना जाता है कि उन्होंने यदि सबसे बड़ा कोई संदेश दिया है तो वो प्रेम का दिया है, सौहार्द का दिया है, आनंद का दिया है। चाहे वो गायों से प्रेम करते हो, चाहे गोपियों से प्रेम करते हो, चाहे ग्वालाओं से प्रेम करते हो, चाहे वो पृथ्वी पर किसी से भी प्रेम करते हो, तो सबसे बड़ा उन्होंने संदेश यही दिया था। तो मैं मानता हूं कि आज के समय पर ऐसा नफरती भाषण नहीं देना चाहिए था। और योगी आदित्यनाथ हो या मोहन यादव जी हो, उनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है।
उनको महंगाई पर बोलना आता नहीं है, उनको बेरोजगारी पर बोलना आता नहीं है। बारिश में उखड़ी हुई सड़कें हैं, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है। मध्य प्रदेश की सरकार दिवालिया हो रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है, 64 योजनाएं बंद होने पर पड़ी हुई। इन तमाम मुद्दों को जिनको आपने गिनवाया उन पर बात होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि जाति धर्म या नाम के आधार पे हमें नहीं बंटना है, हमें एक रहना है, तो इसमें गलत क्या कह दिया? जी नहीं, जो जिस तरह की राजनीति करता है, जिसका जैसा चरित्र होता है, अब कंस कुछ कहेगा तो हम उसी कंस के हिसाब से समझेंगे ना, कृष्ण कुछ कहेंगे तो हम कृष्ण के हिसाब से समझेंगे, राम कुछ कहेंगे तो उसका अर्थ अलग रहेगा और रावण कुछ कहेगा तो उसका अर्थ अलग रहेगा। तो जनता अच्छी तरह से जानती है। अब देखिए, आज पूरे देश के लोगों को गालियां दी जाती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो फर्जी हिंदू हैं, हम लोग इनको फर्जी हिंदू कहते हैं। तो सारे फर्जी हो गए तो देश में हिंदू बचा कौन? तो ये तो हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। इनको वोट कितने देते हैं देश में? 35-40% वोट देते हैं। तो सबसे ज्यादा ये गालियां देते हैं, विपक्ष को गालियां दे रहे हैं, तो 60-65% हिंदुओं को सीधा सीधा सही है गालियां दे रहे हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा शुभ था, कम से कम आज के दिन को तो छोड़ देना चाहिए था। और मैं सभी देशवासियों से विनती करूंगा कि ये लोग कुछ भी बकते रहें, आप लोग तो सब प्रेम और भाईचारे से रहिए, क्योंकि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है, अमित शाह मोदी जी उनके पीछे पड़े हैं, तो वो शायद गडकरी शिवराज सिंह चौहान इनको लेकर बोल रहे हों कि भाई अपन एक साथ रहेंगे तो अपन लोगों की कुर्सी बच जाएगी। मोहन यादव जी को चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बनाया है तो मोहन यादव को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि योगी की छुट्टी हो तो कोई दूसरा अपनी अपनी कुर्सी बचाने में हर कोई सक्षम है, मुझे लगता है। तो ठीक है, अगर जो आप संदेश दे रहे हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर इस तरह की बात ना की गई होती। लेकिन यश भारतीय जी दिखाइए, यश भारतीय जी को मुझे टीवी स्क्रीन पर नहीं, वो जुड़े हैं हमारे साथ अभी तक। अच्छा ठीक है, डॉक्टर शर्मा मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ये जो बयान दिया गया है, एक तरफ तो ये कहा ही जाता है कि देखिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सीएम आवास पर जो आज जन्मोत्सव के मौके पर कार्यक्रम चल रहा है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। वो हमारे लिए अमूल्य, एक अलग प्रकार की स्पंदन भी है और धरोहर भी है। भगवान कृष्ण विद्यार्थी करके हमारे प्रदेश में आते हैं और बीते दिन भगवान का कृष्ण बन के आना और शिक्षा ग्रहण करके श्री कृष्ण होकर जाना, ये एक इतिहास है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम में वो उनकी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो उनके जीवन काल में, एक ऐसे विद्यार्थी काल में जो बीते दिन विद्यार्थी भी रहे और उनको जीते जी कृष्ण जगत गुरु करके भी जाने गए, एक नाम की उपमा उनको ये भी दी गई। हमारे लिए अपने इस देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मित्रता की उत्कृष्ट मिसाल अपने मित्र, चाहे वो कितना भी निर्धन क्यों ना हो, चौड़े चौगान उसे स्वीकार करके अपने गले से लगा करके सुदामा से जो उनका मित्रता का उदाहरण बनता है, वो सबको आज भी सदैव प्रेरणा देता है। और केवल ये ही विनम्रता से, परशुराम जी से, सुदर्शन चक्र से लेकर के बाकी आयुध प्राप्त करते हैं, विनम्रता भी कैसी होना चाहिए हमारे लिए आज भी सीखने लाए। उसी प्रकार से ऐसे कई पक्ष, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा की व्यवस्था में भी ऐसे कई सारे हमारे बीच में आज वर्तमान के दौर में, जब कई सारे स्कॉलर इस पर रिसर्च करेंगे, आगे इनका अर्थ निकालेंगे, इससे बहुत सारी बातों की बाद में हो सकता है और भी नए नए तथ्य आएंगे। लेकिन आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, मेरी अपनी ओर से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जो खजुराहो से लोकप्रिय सांसद है, आपका अभिनंदन है। माननीय भिकानंद जी संगठन महामंत्री, माननीय राकेश सिंह जी माननीय मंत्री, थोड़ी सी चोट पैर में लगी है लेकिन आपका मन का भाव है, आप इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री भारत सरकार श्रीमान सुरेश पचौरी जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी,
माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्री नगर के हमारे अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब, हम सब मिलकर के आज यहाँ इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व के विविध पक्षों से उस आनंद में सरोवर हो रहे हैं, जिसके कारण से हमारी अपनी संस्कृति युगों युगों से गौरवान्वित होती आई है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ की परंपरा है, हमेशा हर प्रकार के त्यौहार आनंद से मनते हैं। और हमारा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारा तो और सौभाग्य है, हमारे कई अलग अलग प्रकार के उनसे मध्यदेश की धरती के उनकी लीलाओं के स्थल हैं, इसलिए भविष्य की दृष्टि से हमने कहा है कि हमारे अपने ऐसे उन स्थानों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, ऐसे में हमारे इन स्थानों को तीर्थ बना करके उस इतिहास को जीवंत करने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान नीचे मंच के ग्रहण करें ताकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियों को आगे ले चलें। और जैसा कि आदरणीय देवी और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज 5 प्रस्तुतियां होना है। तो यह आप देख रहे थे सीएम आवास पर भोपाल में ये कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उस उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सीएम को अभी तक आपने सुना। वापस हम महा डिबेट का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि एक तरफ तो देश में मध्य प्रदेश में जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, कृष्ण की कलाओं की बात हम कर रहे हैं, उनकी भक्ति में रंगे हुए हैं, लेकिन अब ये एक बयान जो आगरा में यूपी के सीएम ने दिया और उस पर मध्य प्रदेश में सियासत आए। देखिए अपर्णा जी, कोई भी जीव हो या समुदाय हो, ये माना जाता है कि वो सशक्त तब होता है जब वो यूनाइटेडली रहता है। अगर योगी आदित्यनाथ किसी धर्म का नाम ना लेते हुए ये कहते हैं कि शक्ति तभी है, ताकत तभी आएगी जब आप एकजुट होंगे, लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने जरूर कही, अगर नहीं होंगे तो कटेंगे। उन्होंने हालांकि किसी को पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक कोई समुदाय एक नहीं होगा तो वो अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना पाएगा। बहुसंख्यक अगर हिंदुओं की बात मानते हैं तो अगर वो एक नहीं होंगे तो टूट टूट जाएंगे। आज जो मध्य प्रदेश का सिनेरियो है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को भी उठाया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा कि वहां क्या हो रहा है बंगाल में, तो ये चीज बिल्कुल सत्य है, ये सबको दिखना चाहिए। वहां हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, वहां कौन सी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अंजाम दे रही हैं, क्या उन ताकतों से बचने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को एक होने का संदेश देना, मैं उसे गलत नहीं मानता। अगर यूनाइटेडली नहीं होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जब तक एक नहीं होंगे तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको लोग परेशान करते रहेंगे या यहां पर भी वो परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। एक चीज उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, तो इसमें पॉलिटिक्स की क्या आवश्यकता है। लेकिन हाँ, अगर है क्या कि योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के लिए, क्योंकि वो एक कट्टर हिंदुत्व के लाइन पर चलने वाले पॉलिटिशियन हैं, जब वो कोई बयान देते हैं तो उसके मायने दूसरे एरिया अपोजिशन पार्टीज को इस प्रकार के लेना लाजमी हो जाता है। घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, ये बताइए, जन्माष्टमी के पावन मौके पर जब भगवान की भक्ति की बात होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तो बड़े चेहरों में से एक योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को लेकर यह बयान क्यों दिया कि रहेंगे एक तो होंगे नेक और अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान की आवश्यकता क्यों आई? देखिए आदित्य योगी नाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये
उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं और उनका अपना तजुर्बा है, उनका अपना अनुभव है और इसलिए समाज को समय समय पर चैतन्य करना, जागरूक करना ये हम सबका दायित्व भी है। और हम सब लोग देख रहे हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे आसपास हैं और इसलिए हम सबको एक रहने की आवश्यकता है। और जो कहते हैं ना कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की, इसलिए हमारी मुट्ठी के समान सब वर्गों को, सब लोगों को एक साथ रह करके इस देश को और प्रदेश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी सांप्रदायिक सद्भावना बनी रह सकती है, कैसे हमारा सामाजिक सद्भावना बना रह सकता है, इस सबका प्रयास। कौन बांट रहा है हिंदुओं को घनश्याम जी, कौन बांट रहा है हिंदुओं को? ये देखिए अपर्णा जी, ये तो आपको और हमको सबको पता है किस प्रकार के लोगों के बयान आते हैं, किस प्रकार से जो है बहुसंख्यक समाज को जो है इस प्रकार से नीचा दिखाने का काम उनके माध्यम से होता है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ जी, योगी जी ने जो बात रखी है वो सबको संगठित होने की कही है और इसलिए संगठित होने में हम सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर राम पांडे जी, अब हिंदुओं को कौन बांट रहा है? यदि आज की ही खबर है कि कंगना रनौत ने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा, तो हमारे देश में तो 80% से किसान जो ज्यादा है वो तो हिंदू है, तो 80% मतलब लगभग सभी हिंदुओं को, मतलब जो हमारे अन्नदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बलात्कारी और हत्यारा बता दिया। और कृष्ण भगवान का जो कार्य क्षेत्र रहा है या हम कहें जो कुरुक्षेत्र रहा है वो तो हरियाणा में है, जब हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये हिंदू है ना, इन्होंने ही तो एक बलात्कारी के विरोध में आवाज उठाई थी, तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों हिंदू महिलाओं को बाल पकड़कर खींचा गया, उनकी हरियाणा पुलिस जो हिंदू वहां मुख्यमंत्री है उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, दोनों लड़कियां हिंदू थी, दिल्ली पुलिस वहां के जो गृहमंत्री के अंडर में आती है, प्रधानमंत्री के अंडर में पुलिस आती है, वहां के उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी रिपोर्ट लिखी गई और यहां तक कि पॉस्को एक्ट भी लगा ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मणिपुर की जो हमारी महिला है जिनको नग्न घुमाया गया वो भी तो हिंदू है, किसान जो एक साल से वहां बैठे थे उनमें काफी हिंदू थे, जाट समुदाय पूरा हिंदुओं में आता है, जाटों को क्या कहा गया, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, 750 लोग मर जाते हैं, तो किसानों को क्या कहा कि इन्होंने मार दिए और इन्हें लटका दिए, इनकी सांसद कहती हैं। तो बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से कर रही है और जितने भी विपक्ष में हिंदू हैं सबको देशद्रोही, पाकिस्तानी, फर्जी हिंदू, नकली हिंदू भाजपा के द्वारा लगातार बोला जाता है। और मैं समझता हूँ 60% से ज्यादा जो हिंदू है वो विपक्षी पार्टियों में है, तो उनको लगातार बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और योगी आदित्यनाथ की जी जिस धाम से जुड़े हुए हैं वो गोरखधाम, वो तो रामकृष्ण को मानते ही नहीं, वहां तो रामकृष्ण की पूजा ही नहीं होती है, और योगी है तो योगी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना होता है, संत जो होते हैं वो सुख दुख इन सब चीजों से परे होते हैं, यदि कोई संत सत्ता का लालची है तो वो तो फिर संत कहलाने लायक ही नहीं है। तो जो योगी आदित्यनाथ समाज को दिशा और दशा दिखाने का काम भी तो करते हैं ना संत जी। देखिए कुछ पद ऐसे होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इनका काम नहीं होता है, ये और लोग हैं, समाज के और लोग हैं वो इस काम को कर सकते हैं, इनके लिए हर धर्म हर जाति के लोग एक समान है, इनको हर धर्म हर जाति के लोगों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। और यदि आपको अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत है क्यों दौड़े दौड़े पाकिस्तान क्यों जाते हैं, आप बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी चादर चढ़ाने चले जाते हैं, तो पाकिस्तान से इतना मोह क्यों? अभी बांग्लादेश के हिंदुओं की बात चल रही है, उन पर अत्याचार चल रहा है, आपने CANRC बनाया, वहां के हिंदू हिंदुस्तान में आते हैं, आप हिंदुओं को हिंदुस्तान में नहीं घुसने दे रहे, भाई उन पर अत्याचार हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे हैं हिंदुओं को बचाने के लिए? रोज बात हो रही है हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अब तो विश्वगुरु की सरकार है ना, सक्षम सरकार है, सब कुछ है, फिर क्यों रोया जाता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? बांग्लादेश एक छोटा सा पिद्दी सा देश है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। घनश्याम पिरोनिया जी, सियासत में कब तक एक समुदाय को दूसरे समुदाय का डर दिखाया जाएगा
और यहाँ तो डॉक्टर रामबन ने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि अगर इतने ही हितैषी बन रहे हैं तो फिर कीजिए कुछ। देखिए आदरणीय पांडे जी वरिष्ठ हैं और बुद्ध जी भी हैं, आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। असल में कांग्रेस इसी प्रकार के भ्रम, इसी प्रकार के बयान दे दे करके और लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। आप, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, हम कहां देखते हैं कि ये मुसलमान को जा रही है, हिंदू को जा रही है, सिख को जा रही है, ईसाई को जा रही है। सबको, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके सम्मान के लिए वो योजनाओं का संचालन। जी ठीक है डॉक्टर शर्मा, मैं इसी बात पर, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी की सरकारें जहां जहां भी हैं केंद्र में या अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, हमेशा ये दलील दी जाती है बीजेपी प्रवक्ताओं की ओर से कि देखिए हमारी सरकार तमाम जो योजनाएं चलाती है वो योजनाएं नाम धर्म देखकर नहीं दी जाती, उन योजनाओं का फायदा हिंदुओं को भी मिलता है, मुसलमानों को भी और बाकी लोगों को भी। देखिए अपर्णा जी, सरकार किसी की भी रही या हो, कोई भी योजना पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो इन जनरल नहीं बनाई जाती। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हर देश के नागरिक को बनाई जाती हैं और लागू भी की गई हैं, वो आज भी चल रही हैं। तो ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये बहुसंख्यकों को है ये अल्पसंख्यकों को नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसके जो मायने निकाले जा रहे हैं उसके दो प्रकार के पहलू हो सकते हैं। हालांकि वो, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व, और यही एजेंडा जब से तीव्र गति से लागू हुआ है भारतीय जनता पार्टी को देश में हर राज्य में या केंद्र में बड़ी सफलता मिली है, कई राज्यों में भी मिली है और केंद्र में तो लगातार तीसरी बार वो सत्ता में है। तो कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो एक अलग चीज है, हिंदुत्व को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ। लेकिन एजेंडा तो हर पार्टी का अपना है ना, अगर बीजेपी हिंदुओं को एकजुट होने की बात करती है तो ये आरोप तो विपक्ष पर भी लगते हैं कि वो धर्म विशेष के लोगों को हिंदुओं के एकजुट होने का डर दिखाते हैं, ये भी आरोप लगते हैं, तो आरोप तो एक दूसरे पर लगाए ही जाते हैं। खैर एमपी की मार डिबेट पर समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शामिल होने के लिए, जन्माष्टमी की शुभकामना एक बार फिर से आप सभी को, और जन्मोत्सव हर कोई इंतजार कर रहा है कान्हा के जन्म लेने का, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है एक बयान, इस तरह सियासत हाई है वो हमने आपको दिखाया, खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए है।